वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं जुलेखा अरफात, जुलेखाज किचन से। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह के करम से ठीक हूँ और आपकी दुआ है। अच्छा, आज मैं क्या बना रही हूँ मालूम मैम? वो जो आती है ना खिचड़ी, मसाले वाली, बट मेरी दादी कैसे मुझे बताई थी और वो कैसे बनाती थी और उन्होंने मुझे कैसे गाइड किया था और कैसे मैं बनाती हूँ उनकी स्टाइल में, आज बनाकर आपको दिखाती हूँ। अच्छा, अगर आपको ये लग रहा है कि ये वो वाली है जो एकदम लूज और पतली पतली खिचड़ी, जो हम कभी बीमार होते हैं या कभी बहुत लाइट खाना होता है तब आप खाते हो, ये वो वाली बिल्कुल भी नहीं है। डेफिनेटली नॉट, ये वो नहीं है। आप गलत ले रहे हो तो आप प्लीज दिमाग में ये मत रखिए कि ये वो टाइप की है। ये नॉर्मल जैसी खिचड़ी होती है, हम तूर मसूर दाल की खिचड़ियां जो बनाते हैं, लेकिन ये थोड़ी सी अलग फ्लेवर वाली मसाला खिचड़ी होती है। अब यहां पर मैंने एक मीडियम साइज की प्याज ली है, इसे मैं ऐसा काट रही हूँ स्लाइस करके, और आगे जो जो काटती जाती हूँ मैं आपको बताती जाती हूँ। वैसे मेरी जो दादी हैं उन्होंने मुझे ये वाली रेसिपी सिखाई है, ये उनकी रेसिपी है, तो मैं आपको फॉरवर्ड कर रही हूँ। आई होप आपको अच्छी लगे। और हाँ, मेरी दादी ही थी जो इसने मुझे पुश किया था। मैं तकरीबन समझिए ना 14-15 साल की थी, तो उन्होंने बोल दिया था आप डायरेक्ट किचन में जाए और पकाना सीखें। यहाँ देखिए, मैंने एक प्याज काट ली है मीडियम की, मीडियम साइज की, और ये एक मैं टमाटर मीडियम साइज के को छील रही हूँ और उसको भी मैं बारीक काट लेती हूँ। अच्छा, अब आपने चाहे तो आप हरी मिर्ची अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। मैं एक मीडियम साइज की हरी मिर्ची डाल रही हूँ। वैसे ये जो टमाटर था ये धोया हुआ था, तब भी इसकी छील निकाली हुई है। सो आप हरी मिर्ची अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं, मैं एक ले रही हूँ और बहुत ज्यादा तीखी नहीं है, फीकी वाली है। तो ये देखिए, ये वाली हरी मिर्ची है, मैं इसे पानी में डाल देती हूँ। अब मैं वहां उस टाइम पे बारीक बारीक काट लूंगी ना। अच्छा, यहाँ मैं दो मीडियम साइज के, मीडियम भी नहीं है, आप छोटे बोल सकते हैं, आलू है। मैं इसकी छील नहीं निकाल रही हूँ, डेफिनेटली। जी हाँ, आपने सही सुना, मैं छील नहीं निकाल रही हूँ। वो उस टाइम पे ये जो, इसको बहुत अच्छे से, ये जो आलू है इन्हें अच्छे से धो लीजिए कि कुछ भी उसके ऊपर मिट्टी वगैरह ना हो ना। और उसका, अब ये जो छोटे हैं तो मैं इसके दो कर रही हूँ, बड़े हो तो तीन करें या चार करें, लेकिन आलू को बहुत अच्छे से धो ले और इसकी छील मत निकालिएगा। छील निकाले बिना भी काफी लोग खाते हैं, और मेरी दादी तो इसी तरीके से बनाया करती थी। और इसमें भी, मतलब ये जो छील में भी है ना, ऐसा कहते थे कि न्यूट्रिशन है। तो चलिए, मैंने ये तीन काट लिया है, थोड़ी सी कोथमीर है, मैं इसे बारीक काट लूंगी। मैं फिर से कहती हूँ कि ये वो टाइप की नहीं है, क्या बोलते हैं, खिचड़ी, मसाला खिचड़ी जो आप एकदम पतली पतली सोच रहे हो वैसी नहीं है। इनफैक्ट मेरी दादी है ना हमेशा कैसा करते थे, मतलब मैं जो हमारी चावल कैसे रहते हैं वो एकदम खुले खुले नहीं, लेकिन बराबर से पके हुए अच्छे वाले सॉफ्ट टाइप, बस उतनी, और नीचे थोड़ी सी लगनी चाहिए, हल्की सी चिटकनी चाहिए। वो हमेशा ये कहते थे कि नीचे चिटकनी चाहिए थोड़ी, तो वो हल्की सी चिटकाते भी थे हम और फिर उसे सर्व कर देते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। आई होप आपको मेरी ये दादी की रेसिपी अच्छी लगे, उनके लिए जरूर दुआ कीजिएगा और अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, आमीन सुमा। चलिए चूल्हा चालू कर दीजिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा तेल डाल दीजिए, तेल कम या ज्यादा आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। अच्छा, ये है एक डंडी दालचीनी की, वो मैं तेल में डाल देती हूँ। एक तेज पत्ता, दो लौंग और दो काली मिरी, और समझिए ना ये 1/4 टीस्पून जीरा है, ये भी डाल देती हूँ। हल्का सा इसे तरतरा जाने दीजिए। हाँ देखिए, थोड़ा तरतरा गया। अब यहां मैं एक प्याज डाल देती हूँ मीडियम साइज की, आप देख चुके हो ये कटी हुई, और इसे फ्राई कीजिए। अच्छा, आपने तब तक फ्राई करना है जब तक लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती है। हाँ, तब तक फ्राई कीजिए। अच्छा, इसमें आप ना चाहे तो पहले ही जब गरम मसाले डालते हैं तो हरी मिर्ची तभी डाल दीजिएगा। मैं आधी काट कर डाल रही हूँ, ज्यादा स्पाइसी नहीं है ये। चलिए, लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, आप देख सकते हैं। यहाँ मैं डाल देती हूँ 1/2 छोटा चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, इसे भी डाल दीजिए। और अदरक लहसुन को तब तक पकाएं जब तक कच्चेपन की खुशबू ना चली जाए। अब यहाँ डाल दीजिए टमाटर, मैंने थोड़ा स्लो पे रखा है, बाहर उड़ रहा था,
टमाटर जब आप डाल दें तो थोड़ा सा नमक डाल दीजिए और 1/4 छोटा चाय का चम्मच हल्दी डाल दीजिए। मिक्स कर लीजिए। अच्छा, मैंने यहाँ जैसे आपको बताया स्लो कर दिया और इसे ढककर तकरीबन 3-4 मिनट पकने देती हूँ, जब तक ये जो टमाटर है थोड़े सॉफ्ट नहीं हो जाते। तकरीबन 2.5 से 3 मिनट हो चुके हैं, अभी हम खोल लेते हैं। बीच में एक बार मैंने उसे चलाया था, ऐसा ना हो कि चिपकते रहे और आप देखें ही ना। 2.5-3 मिनट के बीच में मैंने एक बार चला लिया, देख लीजिए ये अच्छे नम हो चुके हैं ना, सॉफ्ट भी हो जाए बस उतना तक ही है। अब डाल दीजिए 2 छोटे चाय के चम्मच धनिया पाउडर, और मैं 1 डाल रही हूँ, आप कम या ज्यादा अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। 1 छोटा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, मेरा ये ज्यादा स्पाइसी नहीं है, आप स्पाइसी वाला भी डाल सकते हैं लेकिन कम डालिएगा। इसके साथ साथ यहाँ पर मैं डाल देती हूँ ये जो आलू मैंने काट के रखे हैं ये, और हल्का सा मैं मसाला ना जल जाए इसके लिए 1/4 कप पानी डाल दूँ और इसे मिक्स कीजिए। अब तकरीबन मैंने 1/4 कप पानी डाल दिया है। अब इसे 1/4 कप पानी को ना डालने के बाद आप इसे एक चाहिए तो मीडियम आंच पर एक उबाल खिला ले, जब एक उबाल टाइप देखिए जैसे थोड़ा उबाल टाइप आ जाता है तो इसे स्लो कर ढाक दीजिए, और ढाक कर इसे तब तक पकाएं जब तक है ना ये जो आलू है 50% तक गल नहीं जाते ना। तो इसमें क्या होगा कि 2 बातें होंगी, आलू भी गलते रहेंगे और दूसरी बात ये है कि मसाला भी भूनता रहेगा, क्योंकि मसाला भूनना इज रियली इंपॉर्टेंट। दादी बड़ी गुस्सा होती थी कि शी वॉज ऑलवेज एडमेंट के मसाला भूनिए एकदम प्रॉपरली, मसाला भूना भुनाना चाहिए। तो उस हिसाब से इतना मसाला भूनने का दिमाग में बैठ गया है ना, तो अब मैं इसे मसाला भूनने देती हूँ और बीच में तकरीबन समझिए 5-6 मिनट में या ज्यादा से ज्यादा 6-8 मिनट के अंदर तो आलू 50% तो ऑलमोस्ट हो ही जाने चाहिए 50%। उसके दरमियान में अगर आपको ऐसा लगे कि मसाला चिटक रहा है तो आप थोड़ा सा पानी और डाल दीजिएगा फिर से बीच में 4-5 मिनट के बाद, तो मैं भी 4-5 मिनट के बाद देखूंगी 4 मिनट के बाद। अच्छा, अब यहाँ ना मैं चावल तकरीबन समझिए ना 1 कप ले रही हूँ, तो उसका मैं मिजान क्या रख रही हूँ ना, मैं जैसे ये 1 कप चावल है और ये चावल ना बासमती है, बट बासमती में यूजुअली बनाते नहीं थे उस जमाने में। ये जो हमारा सूरती कोलम है ना वो भी ले सकते हो, कोई भी छोटे चावल ले सकते हो, बट हमारे यहाँ आजकल ये आदत है कि हम थोड़ा ही चावल खाते हैं और वो भी बासमती फिर खाते हैं। तो मैं यहाँ 1 कप बासमती डाल रही हूँ, आप कोई भी चावल ले सकते हैं, और उसका रेशियो जो है दाल का, ये जो हरी मूंग की छिलते वाली दाल आती है उसका जो रेशियो है ये 1/4 कप है। लाइक ये 1 कप लोगे तो ये 1/4 कप लेना है आपने। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं वो 1 कप चावल लेते हैं और आधा मतलब आधा कप ये दाल लेते हैं, दाल वाली ये जो हरी मूंग की दाल, बट हम लोग ऐसा करते हैं, डिपेंड्स, आपको वैसा भी करना है, आप जैसा करते हो आप वैसा लीजिए, 1/2 लीजिए या 1/1/4 लीजिए, ये टोटली आपके ऊपर है। चलिए ये मैं डाल देती हूँ और इसे मिक्स कर लेती हूँ और इसे 2-3 बार इसे धो लेती हूँ। चलिए तकरीबन 4 मिनट हो चुकी है, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। ये देखिए मसाला एकदम सूख चुका है जैसे आप देख सकते हैं, तो मैं फिर से 4 मिनट के बाद थोड़ा पानी डाल देती हूँ और थोड़े से फिर से मैं आलू को रहने देती हूँ, तो फिर से वो मसाले में भुने जाएंगे और थोड़े से 50% जो गला में वो गल जाएंगे। तकरीबन 4 मिनट और हो चुकी है, 4-5 मिनट। ये देखिए तेल ऊपर आ चुका है, अच्छे से मसाला भुना भी चुका है और ये जो आलू है 50% टाइप गल चुके हैं, आप चेक कर लीजिए, हल्के से छुरी डाल के देख लीजिए थोड़ी सी जाएगी अंदर, मतलब 50% हो चुके हैं। तो अब क्या कीजिए, चूल्हे को मीडियम आंच या फास्ट कर दीजिए और पानी डाल दीजिए। सबसे पहले मैं 1 कप पानी डाल रही हूँ यहाँ, टोटल दाल और चावल मिला के 1/4 कप है, तो उसका मैं डबल डालूंगी जो होता है 2.5 कप। तो अभी पहले मैं 2.5 कप डाल देती हूँ, उसके बाद 1 कप एक्स्ट्रा डालूंगी, क्योंकि ये वैसी एकदम पतली वाली खिचड़ी नहीं है लेकिन जो जो दाल है वो भी गलनी चाहिए, तो इस हिसाब से मैं यहाँ डाल रही हूँ 3.5 कप। और इसमें नमक डाल दीजिए चावल के भाग का और दाल के भाग का। अच्छा, मैंने ढाक दिया था हाँ उबाल आने के लिए। चलिए उबाल आ चुका है, आप देख सकते हैं
चलिए अब खिचड़ी को नितार कर डाल दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसे आप पकने दीजिए, तब तक जब तक 60-70% इसका पानी नहीं सूख जाता, तब तक जब 70-60% सूख जाए तो इसे हम स्लो करके ढक कर दम पे रख देंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं सर्व किस तरीके से कर रही हूँ, 2-3 हरी मिर्चियां रख रही हूँ, ये प्याज मैंने दो धो लिए, अब मैं इसे काटना नहीं है आपने, हाथ की मदद से भूख को गरी ना की ऐसा करना। बस ये देखिए, ऐसा ऐसी ही सर्व करनी है। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने प्याज को भूको करी ना क्यों हो गया ये, और 2-3 हरी मिर्चियां मैंने साइड पर रख दी है। बट बेसिकली इसे सर्व किस तरीके से किया जाता है, रायते वाला जो घर का बना हुआ खेरी का अचार आता है, मजेदार सा, वो मेरी दादी के हाथ का, और उसके साथ साथ अगर वो ना हो तो मिर्चे है ना उसके अंदर भरे हुए मिर्चे जो दादी बना देते हैं उसके साथ इसे हम खाते हैं। बट अभी मेरे पास दोनों ही नहीं है, मैंने दोनों ही नहीं बनाए हैं, तो मैं बस ये प्याज और हरी मिर्चियां रख रही हूँ यहाँ, और मैं दही के साथ सर्व कर रही हूँ। यूजुअली दही के साथ सर्व नहीं करते मैं। अच्छा, मैं मेरी दादी का नाम जरूर लेना चाहूंगी। मेरी दादी का नाम है मरहूम हाजीनी हवाबाई अली मोहम्मद मच्छीवाला। आप लोग सब दुआ कीजिए कि अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। आमीन। तो चलिए बस उसके लिए वेट करती हूँ मैं। चलिए 60% सूख चुका है, थोड़ी सी बारीक कटी हुई कोथमीर डाल दीजिए, एक बार चला लीजिए, स्लो कर धीमी आंच पर दम पर पकने रख दीजिए। चलिए ये देखिए, तकरीबन समझिए ना 10-12 मिनट हो गई होगी। ये देखिए पानी ऑलमोस्ट सूख चुका है, आप देख सकते हैं। यहाँ मैं थोड़ा सा हल्का सा पानी डाल देती हूँ, थोड़ा सा दम पे पर रखने के लिए 5-7 मिनट और रखूंगी मैं, थोड़ा सा वजन रख देती हूँ। अब मिलते हैं 5-7 मिनट के बाद। अच्छा, आपने वजन नहीं रखना तभी कोई बात नहीं है, मैंने तो रखा है कि थोड़ा दम पे रहे तो और ज्यादा अच्छी पकेगी। चलिए मैं चेक कर लेती हूँ, देखिए नीचे चिटकने लगी है, हल्की हल्की चिटक रही है, माशाल्लाह। आलू देख लेती हूँ, ये देखिए आलू है, ये देखिए आलू एकदम परफेक्टली हो चुके हैं। और जैसे मैंने आपसे कहा था कि जो खिचड़ियां बनती है, लेकिन ऐसे फुले फुले चावल नहीं चाहिए, मुझे हल्के से नरम चाहिए थे, इसके लिए मैंने थोड़ा सा एंड में आपने देखा 1/4 कप पानी डाला है। आपने नहीं डालना तो कोई बात नहीं, आप यहीं से सर्व की उस टाइम पे पानी मत डालिएगा और दम पे रहने दीजिए 15-16 मिनट और फिर डायरेक्टली सर्व कर दीजिएगा। चलिए गर्मा गर्म मैं निकाल लेती हूँ बढ़िया से। अच्छा, अब आप बोलेंगे कि मैं इसमें डालने के बाद बहुत एक टेबलस्पून जितना जुलेखा घी डालने वाली, तो बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, बस यहीं से ही हम खा लेते हैं डायरेक्टली, और बहुत ही मजेदार और टेस्टी बनती है। चलिए मैं थोड़ी सी कोथमीर ऊपर से डाल दूंगी प्रेजेंटेशन के लिए, वैसे जरूरत नहीं है, हम वैसे डाल के खाते तो है नहीं, बट बस यहीं से सर्व कीजिए गर्मा गर्म। लाल मिर्ची और हरी मिर्ची अपने स्वाद अनुसार एडजस्ट कीजिएगा। अच्छा, मैंने मसाला मेरे हिसाब से डाला, आप चाहें तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ दम पे तकरीबन 15-17 मिनट रखा है, आप उसे भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने चावलों के हिसाब से। तो ये थी गर्मा गर्म थी क्या है मेरी दादी की स्टाइल में मसाला खिचड़ी। तो चलिए मैं इसे गर्मा गर्म सर्व करती हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए आइए मेरे साथ बोलिए बिस्मिल्ला, और इसके साथ अगर आपने, अच्छा हाथ से ही खाने का मजा है, और इसके साथ अगर आपने ये प्याज भूको करके नहीं खाए तो कुछ मजा नहीं है फिर। सो ये रही, और मैं तो हाथ से ही खाती हूँ, आप चाहे तो चम्मच से खाएं, और मैं एक बाइट खा रही हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मजेदार है, आपको लगेगा कि मैं सिर्फ हमेशा बोलती हूँ मजेदार है, बट आप जब बनाएंगे और आप खाएंगे तो आप डेफिनेटली बोलेंगे बहुत मजेदार है, मैं सही कह रही थी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो डेफिनेटली लाइक तो कीजिए ही ये वाली रेसिपी को, बट कमेंट भी कीजिए, अगर आप बनाए तो कमेंट में बताइए कि आपको कैसी लगी, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। और अगर आपको ये बहुत ज्यादा अच्छी लगे तो आपकी फैमिली और फ्रेंड्स में भी मेरे लिंक्स शेयर कीजिए। तो फिर से हाजिर होंगी एक नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ या फिर व्लॉग के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।